नमस्कार, मैं समीर आसमी, स्वागत है आप लोग का एटीएन लाइव पे। तो अभी हम आए हैं सिवान के गांधी मैदान पे। आप देख सकते हैं ये गांधी मैदान की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं गांधी मैदान के मुख्य द्वार पे। तो आप देख सकते हैं ये गांधी मैदान का मुख्य द्वार है। तो ये गांधी मैदान का हाल जो है बर्फ से बदतर हो चुका है। आइए हम अंदर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर की ये तस्वीरें कितनी बद से बदतर हो चुकी है। ये गांधी मैदान चौर बन चुका है पूरी तरह से। ये अब गांधी मैदान नहीं रहा, चौर बन चुका है। यहाँ पे गाय भैंसें चर रही है, आप देख सकते हैं। सीधे तौर पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये गाय भैंस बकरियाँ चर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए गाय भैंस बकरी सब चर रही है। देखिए ये गांधी मैदान का हाल जो है बर्फ से बदतर हो चुका है। आइए हम आगे भी चलेंगे और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए कितना कूड़ा कचरा लगा हुआ है। गांधी मैदान का हाल जो है बहुत ज़्यादा घटिया और बेकार हो चुका है अभी। और इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है, किसी का भी नज़र नहीं है। प्रशासन जो है और जो नेता हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको तो बस अपना मज़े से मतलब है, मक्खन मलाई मिल रहा है उनको। उनको ये सब नज़र नहीं आ रहा है कि सिवान का जो हाल है, ये गांधी मैदान का जो हाल है, इतना ख़राब हो चुका है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए इधर पानी लगा हुआ है, कचरा है, और देख सकते हैं इधर गाय भैंस और बकरियाँ भी चर रही हैं। तो आगे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इधर देख सकते हैं कि इधर बकरी और गाय भैंस चर रही हैं। तो देखिए ये गाय भैंस बकरी चर रही हैं। देखिए आपको हम सीधे तौर पे तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिवान का ये गांधी मैदान है जो आप देख सकते हैं, इसमें बकरी गाय भैंस चर रही हैं। बताइए ये सिवान का गांधी मैदान का ये हाल है, तो आप बताइए क्या कह सकते हैं इसको। नेताजी को तो बस अपना कुर्सी से मतलब है, वोट जब लेना रहता है तो आ जाते हैं, और जब जीत जाते हैं तो उसके बाद तो उनको पता ही नहीं चलता कहाँ हैं। और देख सकते हैं ये सिवान का हाल है जो इसमें बकरी गाय भैंस चर रही है। आप देख सकते हैं ये सिवान का गांधी मैदान का ये हाल हुआ है, जो आप देख सकते हैं कि इसमें बकरियां चर रही हैं। बताइए ये चौराहा बन चुका है, गाय भैंसों का चरने का जगह बन चुका है। यहाँ पे ये गांधी मैदान का हाल आप देख सकते हैं कितना बद से बदतर हो चुका है, जो आपको हम साफ तौर पे तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे और लोग भी बैठे हैं, चलते हैं हम उनसे बात करते हैं कि गांधी मैदान का ऐसा हाल क्यों है और इस पे नज़र किसी की क्यों नहीं जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं। देखिए इसमें कितनी गंदगी, मतलब चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। देखिए कूड़ा कचरा जो है चारों तरफ फैला हुआ है। गांधी मैदान का जब ये हाल है, हम बताइए क्या कह सकते हैं इसको। पूरा चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है। कितनी ज़्यादा गंदगी बढ़ चुकी है इसमें, आप देख सकते हैं। गांधी मैदान का हाल जो है बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, क्या कहिएगा आप। लापरवाही ये किसकी है? किसकी है? सरकार की है, सरकार की लापरवाही है ये। इस पे बोलिए अब क्या बोल रहे हैं। देखिए ये डर रहे हैं बोलने से कि हम कुछ बोलेंगे तो प्रशासन या फिर नेताओं से कुछ लोगों की डर होती है। अब देख सकते हैं लोग भी डरते हैं, जब लोग ही डरेंगे तो कैसे हमारा देश आगे जाएगा, कैसे तरक्की करेंगे हम लोग। आइए और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। ऐसा हाल क्यों है? देख सकते हैं कि आप इधर पूरे बकरी गाय भैंस चर रही है। बताइए गांधी मैदान है, इसका हाल ऐसा है, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। कहेंगे तो बढ़िया से बढ़िया साफ सुथरा रह के चाहिए, लोग आके में बैठे, ये नहीं कह सकते जी। बस
गंदगी बहुत ज्यादा फैल चुकी है इसमें, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। लोग भी डर रहे हैं बोलने से, कुछ भी बोलने से डर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ बोलने से डर रहा है, पता नहीं किस चीज़ से उनको डर है। जब तक यहाँ लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे कोई आगे कार्रवाई की जाएगी, लोग ही जब डरेंगे तो कैसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, ये गाय भैंसों का चरवाहा बन चुका है ये गांधी मैदान, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप तो हमेशा इसमें आते रहते हैं जी। ये आप देख सकते हैं कि ये गांधी मैदान का बहुत ज्यादा बदतर हाल हो चुका है, क्या कहिएगा। हाँ, बहुत से बदतर हाल हो गया, गांधी मैदान हो ही गया, साफ सुथरा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है गांधी मैदान, एकदम गंदा है। बकरी चल रहा है, गाय चल रहा है, क्यों ये सब गंदा है। कोई शासन नहीं है यहाँ पर, कोई बिहार में कोई शासन नहीं है, सिवान में कोई शासन नहीं है, सब तेरे नाला पर पानी बह रहा है, नाला में सब लोग जा रहे हैं, गंदा उठा वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, इस पर कोई शासन नहीं यहाँ पर। बताइए, वोट लेने के लिए नेताजी आ जाते हैं, लेकिन ये सब देखने कौन आएगा। आकर देखे इस बार, तब ने बकरी चल रहा है, गाय बढ़ रहा है, चरवाह घर बन गया है लालू का। हाँ, चरवाह घर है, लापरवाही किसकी मानी जाए। तो नेता लोग लापरवाही है, यहाँ के जिला अधिकारी अफसर लोग है, कलेक्टर को है, दूसर कोई कहे, पब्लिक क्या कर सकता है। आप तो हमेशा इसमें आते जाते रहते हैं। हम आते हैं हमेशा इसमें, जाते आते हैं। बहुत ज्यादा कचड़ा है, गंदगी फैल चुकी है चारों तरफ, ना साफ सफाई है ना कुछ। बताइए, अभी कोरोना काल है, ऐसे में यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम कितनी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है, जब बहुत गंदगी है, देखने ही नहीं, चारों बल गंदगी है, पूरा साफ सुथरा है ये नहीं पूरा। आइए और भी लोग, हम बात करते हैं उनसे भी, यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी देखी जा रही है, क्या कहिएगा आप। क्या कहेंगे, सब प्रशासन का दोष है, नेता लोग का दोष है। इधर देखिए, इधर नाली का पूरा सड़क पर गिरा हुआ है, आने जाने में कितना कठिनाई हो रहा है, वहाँ नल है, पानी पीते हैं लोग, बच्चे लोग ग्राउंड में जो खेलते हैं या और भी कोई आते हैं घूमने फिरने के लिए, वो लोग वही पानी पीने के लिए है। वहाँ पर पूरा दुनिया भर का कचरा है, इधर गाय है, इधर बकरी है, नल में पानी आता है, नल में पानी आता है, लेकिन जहाँ पानी आता है वहाँ पीने के मतलब सफाई नहीं है, वहाँ सफाई नहीं है, वो यही सब कठिनाई है और क्या। देख सकते हैं लोगों की कठिनाई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे ये गांधी मैदान का ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो ज़्यादा कचरा और गंदगी फैल चुका है। आप देख सकते हैं, आपको सीधे तौर पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या आते हैं देखिए। आप दिखाइए, हम कैमरामैन से कहेंगे कल दिखाइए, वो चापा कल है जो आप दिखा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लोग पानी पीने के लिए आते हैं, और देख सकते हैं यहाँ कितना ज़्यादा गंदगी फैला हुआ है। बताइए, बीमार भी होने का यहाँ पे संभावना है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और इस वक्त ऐसी यहाँ पे व्यवस्था कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कचड़ा फैला हुआ है चारों तरफ। कहेंगे कि अच्छा नहीं है, कोरोना काल में सफाई फाई ज़रूरी है और बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और सबको मिलजुल के देखना चाहिए इसके बारे में, और यही कहना चाहूँगा मैं। लोग थोड़ी ना देखेगा, यहाँ पे साफ सफाई के लिए कर्मी होते हैं। हाँ, तो कर्मचारी प्रशासन और सबको सोचना चाहिए कि कैसे क्या, पीने वाला पानी है वहाँ पे, गंदगी तो है ही। बताइए, पीने वाला पानी के पास कचरा फैला हुआ है, बताइए यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तो देख सकते हैं, ये आपको हम साफ तौर पे तस्वीरें दिखा रहे हैं गांधी मैदान का। यहाँ पे एक मैडम है, जी मैडम बोलिए, गांधी मैदान का ये हाल क्यों है, बरस से बदतर हो चुका है गांधी मैदान का हाल। बरसात का दिन है, पानी सूखा हुआ है, तो अब मवेशी वेसी बैठ गया, अब इसमें गेट तो लगा ही हुआ है, गेट तो लगा है ठीक है, लेकिन मवेशी देख रहे हैं कि यहाँ पे चर रहे हैं। बताइए, गांधी मैदान है ये, और ऐसा हाल है इसका, साफ सफाई भी, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, गेट की लापरवाही मानी जाए। किसकी लापरवाही मानी, गवर्नमेंट की लापरवाही मानी जाएगी, और क्या कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका है जी। आप तो देखने में सरकारी कोई कर्मचारी लग रही हैं। मैं प्लस टू की शिक्षिका हूँ।
मैं प्लस टू की शिक्षिका हूँ माधवपुर गोपालगंज में पढ़ाती हूँ। तो बताइए आप टीचर हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? इतने गंदगी फैली हुई है, गांधी मैदान का ये हाल है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। क्या गेट लगा हुआ है, गेट भी तो बंद हो सकता है, तो भी तो इसका बहुत समाधान निकल सकता है। सब तो कुछ कोई तो देखने वाला नहीं है यहाँ पे, अभी तो ये ट्रैक व्रैक सब बना ही है। अच्छा, ट्रैक बना अभी कुछ दिन पहले, ये सब अभी बरसात की वजह से हुआ है, अभी तो इसके पहले फिलहाल ठीक ही था। हाँ, और कुछ हमको खास नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, ये देख सकते हैं, ये बैठने उठने के लिए अभी नया बना है, आप देख सकते हैं, आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ट्रैक भी बना हुआ है, नया में बना हुआ है, लेकिन साफ़ सफाई के लिए यहाँ कोई कर्मी नहीं है, ना ही साफ़ सफाई के लिए है, और ना ही आप देख सकते हैं इधर पूरा चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, इसमें कुत्ता बकरी भैंस चर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है देखने में कि गांधी मैदान कम और चावर ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं, आपको सीधी तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी बोलिए। उस साइड का थोड़ा सा दिखा दीजिए। हाँ, ये साइड में दिखाइए कितना कचड़ा पोजीशन है। ठीक है, बाहर क्या क्या पोजीशन है बाहर का? बाहर का छोड़िए ना, इस साइड का दिखाइए। ये सब दिखाए हैं हम आपको। हाँ, ये जो हैंड पाइप है उधर कचड़ा चारों तरफ। हाँ जी, उधर जाने का इच्छा नहीं कर रहा। सब हम देख चुके हैं और दिखा चुके हैं जी। हैंडल क्या कहना चाहेंगे, इतना ज्यादा गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, गंदगी का है। अब यहाँ के स्टाफ की लापरवाही है, जो देख रेख कर रहे हैं उनकी लापरवाही है। देख रेख वाले यहाँ पे नहीं रहते हैं? हाँ, क्यों रहते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? यहाँ रहना चाहिए एक आदमी को, एक स्टाफ यहाँ रहना चाहिए। तो ये लापरवाही किसकी है? किसकी है भाई, जो देख रेख कर रहे हैं उनकी है। यहाँ पे तो कोई नहीं है देख रेख करने वाला। ऐसा बात थोड़ी है, इसके ऊपर कोई मालिक जरूर होगा। मालिक तो होगा, लेकिन तो फिर चाहिए, यहाँ प्रेजेंट तो नहीं है। तो मालिक को देख रेख करना है, वो स्टाफ और रखे होते। ठीक है, तो स्टाफ देख रेख करेगा भाई कहाँ क्या है। तो स्टाफ भी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं और गंदगी भी ज्यादा दिख रही है। हाँ जी, तो स्टाफ चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। बात तो सही है, और यहाँ पे 100-200 आदमी डेली यहाँ टहलने आते हैं सुबह में, क्या करेंगे, मजबूरी है, टहलना है, कचरा है, कुछ भी है, तो उसके हिसाब से इनके ऊपर का जो वॉकिंग करने सुबह सुबह लोग आते हैं उनको दिक्कत होता होगा। काफ़ी दिक्कत है, तो उसके हिसाब से देख रेख करना चाहिए भाई। कोई ना कोई इसका ओनर होगा, उसको कोई स्टाफ रखना होगा। ठीक है, स्टाफ का कोई विशेष खर्चा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान हो तो सब सर सफाई होगी इसमें। नेता लोग तो बस वोट लेने आ जाते हैं, ये सब कौन देखेगा? अरे नेता लोग इसका साहब बना चुके हैं, इसके ये किसी के अंडर में है, समझ रहे ना, ये नेता लोग के अंडर में नहीं है, नेता लोग किसी को ओनर बना चुके हैं। कोई ना कोई इसका देख रेख ओनर होगा, अब उसके नीचे उसको स्टाफ बहाल करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो देख रेख करें, जो इसके ओनर हैं वो तो मान लीजिए कि थोड़ी देख रेख करेंगे, उनके पास थोड़ी टाइम है, लेकिन कौन करेगा उनको देख रेख करेगा? वो नहीं करेंगे तो वो एक स्टाफ लगा देंगे जी। स्टाफ करेगा, स्टाफ अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी बनती है ना? ऑनर की जिम्मेदारी बनती है, फिर उनको आके देखना चाहिए ना कि हाँ उनको आके देखना चाहिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ देखना चाहिए, पता करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि गांधी मैदान है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, और शहर के जो लोग हैं यहाँ पे टहलने आते हैं, वॉकिंग करने आते हैं मॉर्निंग में, और यहाँ पे गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। सही बात है, तो ये सब चीज़ ध्यान होना चाहिए। आप लोग भी जो कर रहे हैं दिखाने वाला काम, ये भी बहुत अच्छा काम है। जब तक लाइट में नहीं होगी तब तक अगले को भी नहीं दिखेगा, अगला तो मान लीजिए कि सोया हुआ है, उसको भी आप लोग दिखाइएगा तभी वो देख पाएंगे कि हाँ भाई क्या स्थिति है गांधी मैदान का। हम तो डेली सुबह टहलने आते हैं और देखते हैं कि 200-300 से आदमी कम नहीं आते हैं, तो यहाँ पे 200-300 आदमी टहलने आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लमें होती है इस रूट में, आप देखे होंगे, काफ़ी ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ऑनर को ध्यान दीजिए, ऑनर जो है कोई एक स्टाफ बहाल कर दे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गांधी मैदान का जो हाल है, बड़े से बदतर हो चुका है, लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में आते हैं लोग यहाँ पे, और यहाँ पे गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, जिससे आने जाने वाले जो लोग हैं यहाँ पे वॉकिंग के लिए जो लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये जो गांधी मैदान है, इधर गाय बकरियाँ चर रही हैं चारों तरफ, ऐसा लग रहा है देखने में कि ये चौर बन चुका है पूरी तरह से, ऐसा लग रहा है देखने में कि पूरी तरह से चौर बन चुका है, और इसमें गाय भैंसें चर रही है। तो कैमरामैन सद्दाम के साथ ATL लाइव सिवान।